जमीन किसी भी देश के लिए बहुत ही कीमती होती है। इनफैक्ट आपने ये अक्सर देखा होगा डेट एक छोटे से जमीन तक के लिए कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट चली जाती है। Putin is considering an invasion next year that could cross into Ukraine. Face off between Indian and Chinese troops last week in Arunachal Pradesh. A top Chinese general has threatened to attack Taiwan. अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री का एक इंच जमीन भी अगर कब्जा कर लेती है तो दोनों कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ वॉर में भी चले जाते हैं। बट क्या आपको पता है डेट इसी दुनिया एक ऐसी भी जमीन है जिसे कोई कंट्री क्लेम नहीं करती है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट आखिर इस जमीन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से दुनिया की कोई भी कंट्री इस लैंड को क्लेम नहीं करती है। आखिर इस लैंड में ऐसा क्या स्पेशल चीज है। बट वी आर स्टार्टिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अफ्रीका में सूडान और इजिप्ट कंट्रीज एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बट इन्हीं बॉर्डर्स के बीच बीर तवाल नाम का एक लैंड पड़ता है। यह लैंड ना इजिप्ट क्लेम करता है और ना ही सूडान क्लेम करता है और ना ही दुनिया की कोई भी कंट्री क्लेम करती है। आई मीन ये लैंड इतना अकेला है डेट अगर आप इस लैंड को क्लेम करोगे तो ये आपका भी हो सकता है और वो भी फ्री में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए इस लैंड को समझने के लिए इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। तो 18th सेंचुरी में ओटोमन अम्पायर कुछ ऐसा दिखता था। उस समय ओटोमन अम्पायर के अंडर इजिप्ट भी आता था और उन्होंने इजिप्ट को कुछ ऑटोनोमी दे रखी थी। ऑटोनोमी से कहने का मतलब ये है डेट उस समय इजिप्टियन लीडर्स बिना ओटोमन अम्पायर से पूछे हुए किसी दूसरी कंट्रीज पर कब्जा कर सकते थे और वो इजिप्ट के लोकल अफेयर्स खुद ही संभालते थे। ओटोमन अम्पायर के अंडर होने के समय इजिप्ट ने सूडान और साउथ सूडान दोनों कंट्रीज को कैप्चर कर लिया था। ठीक उसी समय ब्रिटिश को इजिप्ट की इस एक्सपेंशन से चिंता होने लग जाती है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस वॉज जो वेल्थ ब्रिटिशर्स इंडिया से लूट कर ब्रिटेन ले जाते थे उसका रास्ता सुएज कैनाल से होकर जाता था और वो इस एरिया का कंट्रोल कभी भी खोना नहीं चाहते थे। और इसी की वजह से बाद में ईयर 1882 में ओटोमन अंपायर और ब्रिटिशर्स के बीच एंग्लो इजिप्टियन वॉर लड़ा गया था। इस वॉर में बहुत सारे ब्रिटिशर्स की भी जान गई थी बट एट द एंड ब्रिटिशर्स ने अटैक करके इजिप्ट को कैप्चर कर लिया था और इजिप्ट को कब्जा करने की वजह से ब्रिटिशर्स को सूडान और साउथ सूडान का भी कंट्रोल मिल गया एज ये दोनों कंट्रीज पहले इजिप्ट के कंट्रोल में थी। सो ये पूरा एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। बट इसी के बीच ब्रिटिशर्स एक डिस्प्यूट के बारे में बिल्कुल ही अनवेट थे। डिस्प्यूट यह था डेट पहले जो सूडान की टेरिटरी थी जिसपे इजिप्ट ने कब्जा कर लिया था अब वहाँ के लोग फ्रीडम चाहते थे क्योंकि वो इतने सारे सालों से इजिप्ट के गुलामी सह रहे थे और इसी की वजह से सूडान के इस एरिया में बहुत ही ज्यादा रेबिलियन हो रहा था और यहाँ के लोगों के द्वारा बगावत की जा रही थी फॉर फ्रीडम। इस पे ब्रिटिशर्स ने यह सोचा डेट अपन को तो सिर्फ इजिप्ट से लेना देना है, अपन को सूडान और साउथ सूडान से क्या लेना देना है, फालतू का टेंशन क्यों लेना, अलग करो सूडान को इजिप्ट से अलग करो। और इसी के बाद ईयर 1899 में ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट और सूडान के बीच एक बॉर्डर बना दिया ताकि इन दोनों देशों के बीच टेंशन खत्म हो जाए। आई मीन जस्ट लुक एट दिस बॉर्डर, इतने स्ट्रेट कौन सा बॉर्डर होता है, क्या स्केल से खींच के बनाया था क्या। कहा जाता है डेट ब्रिटिशर्स ने ये बॉर्डर इग्नोरेंस में बनाया था। उन्होंने सोचा डेट अब इतना मेहनत कौन करेगा ससुरा, एक सीधा लकीर खींचो काम खत्म। और ब्रिटिशर्स के द्वारा इस स्ट्रेट लाइन को बनाने के बाद इन दोनों कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं हुआ बल्कि उल्टा और बढ़ गया। एंड द रीजन बिहाइंड दिस वाज दिस, ये एरिया जो आप देख रहे हो यहाँ पे ज्यादातर सूडानीज एथनिसिटी के लोग रहते थे बट ये एरिया ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट में डाल दिया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये एरिया हिस्टोरिकली इजिप्ट को बिलोंग करता था और इसी की वजह से सूडान के लोगों के द्वारा इस एरिया का एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं था। और इसी की वजह से 1902 में ब्रिटिशर्स ने फिर से एक नई लाइन ड्रॉ की। इस लाइन पर ब्रिटिश अंपायर ने यह कहा डेट ये जो ऊपर का एरिया है जिसे हलेब ट्रायंगल कहा जाता है ये बिलोंग करता है सूडान को और ये जो नीचे का एरिया है जिसे बिर तवील कहा जाता है ये एरिया बिलोंग करता है इजिप्ट को। नाउ इस बार इजिप्ट के लोगों ने इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया पर फिर ब्रिटिशर्स ने उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उस समय वर्ल्ड वॉर वन लड़ने चले गए थे। और इसी के बीच ईयर 1922 में इजिप्ट को इंडिपेंडेंस भी मिल गया था ब्रिटिशर्स से और फिर 34 ईयर्स के बाद 1956 में सूडान को भी ब्रिटिश और इजिप्ट से इंडिपेंडेंस मिल गया। बट ये दोनों कंट्रीज के इंडिपेंडेंट होने के बावजूद ये डिस्प्यूट कभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन दोनों में से किसी भी लाइन को प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स नहीं कराया और इसी की वजह से इजिप्ट इस लाइन को नहीं मानता है तो दूसरी तरफ सूडान इस लाइन को नहीं मानता है। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स डेट इसमें ये लैंड का क्या सिग्निफिकेंस है आखिर।
वेल द आंसर इज अगर इजिप्ट भी तवील लैंड को क्लेम करता है तो डैट मीन्स डैट वो सूडान के बॉर्डर वर्जन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, और वहीं दूसरी तरफ अगर सूडान इस लैंड को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इजिप्ट के बॉर्डर वर्जन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, और इसी की वजह से इजिप्ट ये कहता है डैट ये स्ट्रेट लाइन असली बॉर्डर है और वो बिर तवील को सूडान का पार्ट बताता है, और वहीं दूसरी तरफ सूडान इस लाइन को असली बॉर्डर मानता है और वो बिर तवील को इजिप्ट का पार्ट बताता है। इन शॉर्ट बोला जाए तो इजिप्ट सूडान को बोलता है डैट ये लाइन तुम रख लो, और वहीं दूसरी तरफ सूडान इजिप्ट को बोलता है नहीं 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 तुम ये लैंड को रख लो, पर रखता कोई नहीं है। क्या यार बच्चे की जान लोगे क्या? बाद में जाके एक्सप्लोरेशन करने पर ये पाया गया है डैट ये हलैब ट्रायंगल एरिया में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आज के समय में ये दोनों कंट्रीज अपने डिस्प्यूट को साइड में रखकर इस एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को सेल करती है और फिर प्रॉफिट को 50-50 करके आपस में बांटती है। बट अगर बिर तवील की बात की जाए तो ये एक बंजर जमीन है और यहाँ पे बिजनेस करने का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, और इसी की वजह से ये दोनों कंट्रीज और वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इस एरिया को क्लेम नहीं करती है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ ए लैंड विच नो कंट्री क्लेम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हैं देन वॉच दिस वीडियोज विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम बी द चेंज।